दोस्तों, यदि आपने वर्ष 2023 में स्नातक में नामांकन लिया है, चाहे बिहार के आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन क्यों न लिया हो, चाहे वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, पटना विश्वविद्यालय हो, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय के लिए राजभवन की तरफ से एक काफ़ी महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिया है। इस निर्देश के अनुसार दो महत्वपूर्ण अपडेट है जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहला अपडेट ये है कि आप सबका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाला है, जो कि प्रथम सेमेस्टर की होगी, उसका एक जो तिथि है, ये अनुमानित तिथि जारी कर दिया है कि आपकी जो परीक्षा फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाएगा। दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है कि इस बार बहुत सारे बच्चों का जो एडमिशन है वो काटा भी जा रहा है बहुत सारे विश्वविद्यालय अपने स्तर से, और बहुत सारे विश्वविद्यालय क्या कर रही है कि अगर आपका जो अटेंडेंस 75% नहीं होगा तो वैसे स्थिति में आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। इसको लेकर राजभवन के द्वारा भी इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है, और साथ ही साथ बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय इसकी नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं लगातार परेशान है और उन्हें लगता है कि हमें क्या करनी चाहिए। हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चाहते हैं लगातार इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाली जो भी अपडेट होती है उसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। पहले हम सभी डिटेल का नोटिफिकेशन, बगल में आप देखिएगा, ये जो पहला नोटिफिकेशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से निकाला गया है, जिसमें क्लियर बताया गया कि 4 वर्षीय जो स्नातक प्रथम सेमेस्टर जो कि कला विज्ञान एवं वाणिज्य का जो होगा, जिनका सत्र जो है 23 से 27 होने वाली है, इसमें जितने भी छात्र छात्राएं नामांकित है उनके लिए यहां पर निर्देश जारी कर दिया गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि कक्षा जो है नियमित रूप से शुरू कर दिया गया है। अब कक्षा में अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे स्थिति में बताया गया है कि छात्रों के नामांकन के 1 हफ्ते के पश्चात उनकी जो नामांकन है उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसे अति आवश्यक समझिए। मतलब कि अगर आप नामांकन ले लिए हैं और क्लास करने नहीं जाते तो 1 हफ्ते तक आपका देखा जाएगा, उसके बाद जो है आपकी जो नामांकन है वो रद्द किया जा सकता है, जो कि आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन आप देखेंगे, ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने जारी किया था कि विद्यार्थियों के लिए वर्ग में उपस्थिति के संबंध में आवश्यक सूचना। इसमें बताया गया है कि वैसे बच्चे जो 23 से 24 में नामांकन लिए या इससे पूर्व में भी नामांकन लिए हुए हैं, उन सबको जो है अब आपको क्लास करना आवश्यक है। अगर आप क्लास नहीं करते हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि वर्ग में कम से कम 75% आपकी उपस्थिति नहीं होती है, तो वैसे स्थिति में आपको कई सारे परेशानी होंगे। जैसे इनके जो पोर्टल पर जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो वो आपका वैलिडेट नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन आपने देखा। तीसरा नोटिफिकेशन भी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय द्वारा 8 तारीख को ही निकाला गया था। इसमें बताया गया था कि ये जो देखेंगे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, इस पर जो है काफ़ी अधिक कार्रवाई कर रही। देखिए, अब जो भी आपकी अटेंडेंस की कार्य है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी पहले रजिस्टर वाली अटेंडेंस होती थी उसमें काफ़ी सारे बच्चे का धांधली भी हो जाता था, वो नहीं जाते थे, पैसा के बदौलत काम करवा लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें क्लियर बताया गया, विषय आप देखेंगे तो शिक्षक शिक्षकेतर और कर्मचारी जितने भी हैं, साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबका बायोमेट्रिक, आप जानते हैं जो कि फिंगर आपका लिया जाएगा, फिंगर के माध्यम से आपकी जो उपस्थिति है ये दर्ज कर दी जाएगी। तो मतलब ये सीधा समझिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में ये जो व्यवस्था है आपको इस महीने से लगभग सभी विश्वविद्यालय जो है आप लागू करेगी। हो सकता है आपकी उपस्थिति, जरूरी नहीं कि सब विश्वविद्यालय आपके फिंगर से ही ले, लेकिन पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि ये जो व्यवस्था है वो लागू करने जा रही है, जिसमें जो भी शिक्षक होंगे या जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी छात्र छात्राएँ होंगे, सबका जो उपस्थिति है वो एकदम समझिए ऑनलाइन के रूप में आपका बनेगा। इसकी डाटा जो है विश्वविद्यालय के पास रहेगी और वो जान भी पाएगी। और ये एक आवश्यक सूचना है जो कि सभी विश्वविद्यालय के लिए है, जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें बताया गया कि 4 वर्षीय जो आपकी कोर्स है उसमें जो प्रथम सेमेस्टर आपकी होगी, मतलब कि आप अभी तो प्रथम सेमेस्टर में ही हैं 23 से 27 वाले, उन तमाम बच्चों का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो तिथि है वो आपको
थर्ड वीक अगस्त यानी अगस्त महीने से आप सभी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर बताया है। साथ ही साथ आपको बता दें, आपकी जो आंतरिक परीक्षा होती है जो कि कॉलेज लेती है, ये आपकी 10 सितंबर 2023 से ये होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो कॉलेज अगर आप नहीं जाएंगे तो समझेंगे कैसे कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि अब आपकी सेमेस्टर वाइज है, तो 6-6 महीना पर आपकी जो है इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज भी कंडक्ट कराएगी। तो ऐसे स्थिति में आपको कॉलेज जाना अति आवश्यक है। और इसमें भी देखेंगे, क्लियर बता दिया गया है कि देखिए, उपस्थिति अगर आपकी 75% नहीं होगा तो यहाँ पर आपकी जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति के अनुसार और आपका जो आंतरिक परीक्षा होगी उसके अनुसार ही आपकी एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कई सारे नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाया, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सारा डाउट कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। तो अब क्लियर इसका निष्कर्ष समझिए कि क्या है, कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिसमें अगर आपने बी ए बी एस सी बी कॉम के लिए या वोकेशनल कोर्स के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर एडमिशन करवा चुका है, तो आपको क्लास करना अति आवश्यक है। क्लास करिए, क्लास करने के बाद आपके एग्ज़ाम का फॉर्म जो है इसी महीने से भराएगा, तो फिर उस समय आपको परेशानी होगी। सबसे पहले आपकी पंजीकरण होगी, पंजीकरण प्रक्रिया भी इसी मंथ में शुरू होगी, उसकी जानकारी हम दे देंगे। आप किस विश्वविद्यालय से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने विश्वविद्यालय का नाम बताइए, और ये जो नियम लाई है इस नियम के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसका भी राय आप इस कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। हालांकि क्लास करिए, क्लास अगर नहीं होती है तो इसकी भी शिकायत आप जो है विश्वविद्यालय को करिए, विश्वविद्यालय नहीं सुनती है तो आप जनता दरबार में कंप्लेन कर अपने विश्वविद्यालय का शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे सभी विश्वविद्यालय की जो स्थिति है सुधरेगी और बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।